प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत है इस YouTube चैनल जिसका नाम है साइंस स्किल, जो एक बेस्ट एजुकेटेड चैनल है। आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दें। और आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं नाइन्थ क्लासेस की, जो CBSE से छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं इस बार न्यू अगले क्लास में, मतलब एट्थ से जो लोग नाइन्थ में गए हैं उसके लिए मैथ्स की क्लास को लेकर आए हैं। यानी कि जो लोग नाइन्थ में इस बार पढ़ रहे हैं CBSE यानी कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैथ्स की क्लास। और याद रहे, मैथ्स जो हम लोग फॉलो करेंगे वो NCERT बुक को फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल जो इस बार अगले क्लासेस में गए हैं, तो ये मैथ्स की जो क्लास है वो बिल्कुल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। और इस शुरू से जो क्लासेस है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना बिल्कुल शुरू से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम लोग मैथ्स की पढ़ाई को घर पे कैसे करेंगे, मैथ्स में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग कैसे उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, जो ग्रुप बनाए हुए हैं नाइन्थ के CBSE वाले छात्रों के लिए, तो उस ग्रुप में हम रेगुलर जो यूट्यूब पे वीडियोस पुट करेंगे, अपलोड करेंगे, उसको हम ग्रुप में भी डेली सेंड करेंगे। आपको डेली वीडियोस को देखना है, अपने नोट्सबुक में नोट करना है, जो चीजें हम बोलेंगे इसको याद करना है, आप बिल्कुल इसको याद कीजिए। मान लिया कि आप याद करेंगे नहीं तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। यानी कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमानदारी से याद करना है, क्योंकि ना तो वहां हम होंगे सुनने के लिए कि आप याद किए हैं या नहीं किए हैं। तो बिल्कुल इसको ईमानदारी पूर्वक, अगर आपके घर में कोई अगर छोटा भाई बहन है जो पढ़ सकता है इंग्लिश, पूछ सकता है, आप उसको बोलिए कि थोड़ा सा हमको पूछो, हमको कितना याद है। ये सब चीजें है ना, पढ़ाई के लेवल को बढ़ाता है, आपको और पढ़ाई के हौसला को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ये सब चीजें से होता है ना कि हाँ, हम इतना कर पा रहे हैं, इतना चीजें हमें याद हो पा रही है। और जब ये सब सारी चीजें याद रहेगी तो जब लॉकडाउन के बाद क्लासेस खुलेंगी तो आपकी टेस्ट भी होंगी। तो मेरा यही कहना है कि जो भी साइंस के लॉजिक को पढ़ेंगे उसको समझेंगे, आप बिल्कुल जो हम बोलेंगे उसको आप करने पे तुले रहिएगा, आप करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहिएगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में अगर जितना भी वर्क्स देंगे, जितना भी याद करने के लिए देंगे, याद करने वाला तो आपको खुद से ईमानदारी पूर्वक करना है, लेकिन अगर बनाने के लिए देंगे तो उस ग्रुप में बनाकर और सेंड करना है। जैसा कि एक नोटिस साइंस वाले वीडियोस में भी हम दे चुके हैं कि कोई भी आलतू फालतू का मैसेज उस ग्रुप में नहीं करेगा, अन्यथा वैसे छात्र छात्राएं जो इसका गलत मिसयूज करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे, उनको बिना कुछ पूछे हुए, बिना क्वेश्चन किए उसको ग्रुप से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए स्ट्रिक्टली रूप से इस ग्रुप को एडमिन के ऊपर से एक ऐसा स्ट्रिक्टली रहेगा कि आप बिल्कुल इसको जो यहां से रूल नियम है उसको आप फॉलो करेंगे, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको ग्रुप से निकाला जा सकता है। तो एक नोटिस था जिसको फॉलो करना अति आवश्यक है। और फिर रेगुलर, जैसा कि साइंस की क्लास में हम बोले कि 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रेगुलर वीडियोज अपलोड हो जाएंगी, आपको हमेशा देखना है वीडियोज। हर एक क्लास की जो ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन लगभग जो क्लासेस होंगी वो 30 से 35 मिनट के बीच में, या लगभग 40 मिनट कभी कभी जाएगा, वो पढ़ाने के मोशन में रहेंगे तो पता नहीं चलता है कभी कभी टाइम का, 5-10 मिनट इधर उधर होगा। तो 35-40 मिनट ऐसे ही मानिए कि एक क्लासेस होंगी, और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर पोस्ट होंगी। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई भी होमवर्क्स देंगे उसको बनाइए और हमें पोस्ट कीजिए, हम उसको सही बोलेंगे तो सही मानना है, अगर आप गलत बनाएंगे तो हम बोलेंगे गलत है, प्लीज ट्राई अगेन, आप दोबारा से इसे प्रयास कीजिए। या फिर जो लोगों का करेक्ट होगा तो आप उसको देखकर भी अपना जो बनाया हुआ है उसको सुधार कर सकते हैं। तो इन चीजों को अप्लाई करना है अपने लॉकडाउन की स्थिति में, जो घर पे बैठे हैं उसको उस टाइम को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइन्थ की क्लास के CBSE मैथ NCERT से क्वेश्चन। और हाँ प्यारे छात्रों, अगर आपके साथी होंगे जो इस क्लास को शुरू से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नेम और व्हाट्सएप नंबर यानी कि मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप जुड़ा हुआ हो और अपना एड्रेस पोस्ट करें, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड
ऐड कर देंगे और फिर वो बच्चे भी साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लासेस की मैथ्स पढ़ना। तो सबसे पहले हम मैथ्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैथ्स होता क्या है। तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज मैथ, व्हाट इज मैथ, मैथमेटिक्स किसको कहते हैं। आंसर लिखेंगे जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर ये तेजी से अगर हम बोल रहे हैं तो उसको वीडियोस को रोक कर आप जितना चीज हम बोल रहे हैं आप पहले उतना चीजों को लिख लीजिए और फिर आगे फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए, यानी पॉज कर करके वीडियोस को आप लिखिए। अगर हम ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, ज्यादा आप नहीं जल्दी लिख पा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में, तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे। और हाँ बिल्कुल सभी चीजों का नोट्स बनाइएगा क्योंकि एक नया क्लास एक नए अंदाज से शुरू होता है और आप हरेक क्लास को शुरू से जो नोट्स बनाएंगे वो बहुत फायदा करेगा आने वाले टाइम में भी। तो इसका आंसर लिखेंगे मैथमेटिक्स इज ए साइंस, मैथमेटिक्स इज ए साइंस डील्स विथ द लॉजिक, डील्स विथ द लॉजिक, डील्स विथ द लॉजिक ऑफ ऑफ शेप ऑफ, डील्स विथ द लॉजिक, लॉजिक का स्पेलिंग एल ओ जी आई सी, विथ द डील्स विथ द लॉजिक, डील्स डी ई ए एल एस, डील्स विथ द लॉजिक ऑफ शेप्स, शेप्स शेप मतलब आकार आकृति, शेप्स एस एच ए पी एस, शेप्स शेप्स एंड एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी आर कॉल्ड मैथ्स, आर कॉल्ड मैथ्स। प्यारे छात्रों मैथ्स क्या है, तो मैथ्स एक साइंस का ही पार्ट है। आपको सुनने में अटपटा लगेगा कि सर साइंस में मैथ कैसे है, साइंस अलग है मैथ्स अलग है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, साइंस भी एक तरह का ना मैथ ही है, सॉरी मैथ भी एक तरीके का साइंस ही है जिसमें किसको किसको डील्स करते हैं, तो लॉजिक, लॉजिक का मतलब अपना क्रमबद्ध ज्ञान, वही होता है लॉजिकली। लॉजिक का मतलब होता है कि अपना तरीके से सोचा हुआ बात। जैसे अगर हम बोले कि कोई अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो अलग अलग माइंड लगा के एक ही मैथ्स के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करना वो लॉजिक कहलाता है। ठीक है, तो मैथ्स के बारे में हम ये बोल रहे कि मैथ्स इज अ साइंस, मैथ भी एक तरह का साइंस है जिसमें डील्स करते हैं लॉजिक एंड शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में डील्स करते हैं लॉजिक को, दूसरा शेप्स को जिसको ज्योमेट्री में, नहीं ये ट्रायंगल है भाई, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागोन है, तो अलग अलग तरीके का शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें शेप्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें क्वांटिटी के बारे में, भाई 2 मीटर लंबा जाते हो कोई दुकान पे 2 मीटर कपड़ा दे दो तो 3 मीटर, तो 2 केजी 4 केजी ये सब क्या है, 4 5 व्हाट इज मैथ, मैथ है ये सब, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी रहे, शेप रहे, लॉजिक रहे, वो क्या कहलाता है मैथ। यानी मैथ्स का मतलब ही होता है लॉजिक शेप एंड क्वांटिटी। अच्छा अब आते हैं कि मैथ्स के फादर, जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़े कि फादर ऑफ फिजिक्स फादर ऑफ केमिस्ट्री, वैसे ही फादर ऑफ मैथ्स कौन है। तो यहां लिखा जाए क्वेश्चन अगला, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ आर, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आंसर लिखिएगा आर्कमिडीज, स्पेलिंग होता है ए आर सी एच आई एम ई डी एस, इसको पढ़ते हैं आर्कमिडीज, आर्किमिडीज नहीं पढ़ना है, सी एच से क भी होता है उसको उच्चारण करने में, इसलिए आर्कमिडीज पढ़ना है इसको, आर्कमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आर्कमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब नंबर के सॉरी मैथ्स के बारे में तो समझ गए कि मैथ्स क्या है, मैथ्स के पिता किसे कहा जाता है। अब उसके आगे जरा चर्चा करते हैं कि मैथ्स का जब शुरुआत हो रहा था तो मैथ्स के शुरुआती में हमें डिजिट की जरूरत पड़ी थी, डिजिट
जिसको हम लोग शुरू से काउंट करते हैं, 0, 1, 2 काउंटिंग नंबर, फिर टेबल सीखे होंगे, सब तो शुरुआती की पढ़ाई है मैथ्स में, तो फिर एड सीखे होंगे, सबस्ट्रैक्ट सीखे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले अब सीखते हैं कि मैथमेटिक्स में जो स्टार्टिंग हुई थी वो डिजिट से शुरू हुई थी। तो अब लिखेंगे व्हाट इज अ डिजिट, व्हाट इज डिजिट, डिजिट क्या है, डिजिट किसको कहते हैं, आंसर लिखेंगे, आंसर एनी ऑफ द नंबर इज एनी ऑफ द नंबर इज 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट, इज कॉल्ड डिजिट। प्यारे छात्रों, बोला गया कि ऐसा कोई संख्या जो 0 से लेकर 9 तक के रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिजिट, ठीक है। यानी कि यही डिजिट है जिससे मैथ्स के सभी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके नीचे एग्जांपल लिख लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर डिजिट्स। ये सब क्या है, डिजिट्स हैं, मैथ्स में यही सभी सारे डिजिट्स हैं। इन्हीं सारे डिजिट्स का यूज करके एक बड़ी से बड़ी नंबर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिखना होगा 2,02,615, 2,06,015, 2,06,015 हो गया। अगर हमें लिखना होगा 5,03,514, तो ऐसे लिखेंगे। तो सभी चीज जो नंबर इतना इतना लाख करोड़ लिखते हैं सब जो है किससे बना हुआ है, यही 10 डिजिट से बना हुआ है। यानी कि आपको अगर पूछेगा कि हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिट्स की संख्या कितनी है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अनंत डिजिट है। जी नहीं, गलत जवाब, अनंत नहीं है प्यारे छात्रों, डिजिट की संख्या मात्र और मात्र 10 है। 0 से लेकर अगर 9 तक के काउंट करेंगे तो 10 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट्स की टोटल संख्या कितनी है, 10 है। और यही 10 डिजिट का यूज करके हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स क्या होता है, तो कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक के सभी क्या कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब लिखिएगा नंबर, नंबर व्हाट इज नंबर, मतलब संख्या, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर, आंसर लिखेंगे ए नंबर इज ए, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल, मैथमेटिकल लिखने आएगा, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट COUNT काउंट कॉमा मेजर MEASURE काउंट कॉमा मेजर आर कॉल्ड नंबर, आर कॉल्ड नंबर। चलिए नंबर एक क्या है, तो एक नंबर जो है एक तरह का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। और जी हाँ, बिल्कुल समझते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, कि मैथ्स में होने वाला एक चीज है नंबर, जिसका उपयोग यूज कहां कहां करते हैं, काउंट करने में, गिनती करने में, 1 है 2 है 3 है 11 है 12 है 13 है 99 है 100 है 101, काउंटिंग करने में प्यारे छात्रों।
मेजर मतलब मापने में, किसी वस्तु को मापना हो तो 2 किलो, 3 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 फीट मेजर करने में, यानी कि नंबर क्या है? तो नंबर एक तरह का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने में, वस्तु को काउंट करने में, पदार्थ को काउंट करने में, उसको मेजर करने में, राइट? यानी कि इन सभी सारी चीजों का यूज किया जाता है मैथमेटिकल में, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर, यानी कि ये नंबर कहलाता है। चलिए अब हम लोग इस नंबर को सीखने के लिए, इस नंबर को जानने के लिए अब नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और यहीं से शुरुआत होता है प्यारे छात्रों अब बुक का चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में हम लोग सीखे कि मैथ्स क्या है, व्हाट इज मैथ, हु इज द फादर ऑफ मैथ, डिजिट, नंबर। अब हम लोग का जो बुक्स स्टार्ट होता है प्यारे छात्रों यहीं से होता है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर में भी अलग अलग तरीके का नंबर होता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत तरह के नंबर हैं, राइट? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक्स, यानी कि सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हम लोग इंग्लिश मीडियम में फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की बुक 9th सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी जो बुक्स फॉलो करेंगे उसमें पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम प्यार छात्रों उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब जरा नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। अब नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, यानी कि अब वहीं से शुरू हो जाता है पढ़ाना नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके का नंबर, कि उसके अंतर्गत होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, सबके बारे में डेफिनेशन, सबका एग्जाम्पल। प्यारे छात्रों इन सभी चीजों को आपको याद रखने का जरूरत है, क्योंकि अब यहां से हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट वाले में जितना भी हम लोग एक तरह का थ्योरी में नंबर वन नंबर सिस्टम का जो थ्योरी है, यू बोले एक्सरसाइज नहीं है प्यारे छात्रों, ये थ्योरी है, और थ्योरी जब समझ में आएगा तभी आपको 1.1 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर लाइन के बारे में, तो टॉपिक देंगे कि नंबर लाइन क्या है। सबसे पहले नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए ए लाइन ऑन विच नंबर आर मार्क्ड का मतलब चिन्ह, मार्क्ड एट इंटरवल इज कॉल्ड नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन कहते हैं। यानी प्यारे छात्रों किसी भी इंटरवल को अगर मार्क कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं कोई भी नंबर को, नंबर एक ऐसा लाइन जिसपे किसी भी नंबर को खास इंटरवल में, इंटरवल का मतलब बराबर बराबर दूरी पर, तब हम उसको बोलते हैं नंबर लाइन। जरा नंबर लाइन को समझते हैं कि इस नंबर लाइन को हम लोग कैसे समझेंगे। चलिए नंबर लाइन को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हमें प्यारे छात्रों नंबर लाइन पे एक स्ट्रेट इंच की सहायता से एक लाइन खींचना होता है, ठीक है, इंच की सहायता से एक लाइन खींचने के बाद आपको अपने तरीके से एक कोई भी पॉइंट पे 0 इंडिकेट करते हैं, संख्या क्या है 0। अब बराबर बराबर दूरी पे इतना 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 बराबर बराबर दूरी पे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू यहां से, ठीक है, और यही 0 से लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू लिया जाता है।
यानी कि जीरो के बाद भी 1 2 3 4 करेंगे और जीरो के पहले भी 1 2 3 4 करेंगे प्यारे छात्रों, लेकिन यहां होगा प्लस में और इधर होगा माइनस में, हमेशा बराबर दूरी पर यूज करेंगे। जैसे कि यहां माना जा रहा है अपने हिसाब से, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां एरो का जरूर देंगे। एरो का मतलब होता है कि ऐसे ही नंबर लाइन आगे भी बढ़ते जा रहा है, यहां पे भी एरो दे देंगे, इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन पीछे भी ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है। अब जरा इधर जितना लिए हैं पीछे भी उतना ही लेंगे, इतना, सपोज दैट, हमेशा यही तो इंटरवल कहलाता है, ये इंटरवल है और हमेशा सेम सेम इंटरवल लेना है प्यारे छात्रों। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे इधर जो हम लोग काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, इधर लिखेंगे तो -1 क्योंकि माइनस लगाया जाता है और इधर प्लस लगाया जाता है, हालांकि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, प्लस का चिन्ह समझते हैं, यानी कि यहां भी +1 है, यहां +2 है, यहां +3 है। फिर लिखेंगे -2, फिर -3, -4, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे भी आगे बढ़ते जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, ये कहलाता है नंबर लाइन। प्यारे छात्रों अगर एक क्वेश्चन रखेगा, क्वेश्चन इंडिकेट द नंबर 5 ऑन नंबर लाइन, सवाल क्या बोला कि एक संख्या है कितना 5, अब उसको नंबर लाइन पे हमें इंडिकेट करना है, इंडिकेट का मतलब चिन्हित करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एक लाइन खींचेंगे अपने तरफ से, जीरो दे देंगे, कुछ जरूरी नहीं है कि हम बीच में ही देंगे, हमको मन है कि यहां जीरो देने का तो यहां से भी जीरो दे देंगे, हालांकि जहां आप जीरो दिए हैं तो जीरो से राइट साइड में आपको प्लस का यूज करना है और जीरो के लेफ्ट साइड में आपको माइनस का यूज करना है, ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो हम जीरो से राइट साइड गए, कितना नंबर को दिखाना है 5 को, तो हम बराबर बराबर इंटरवल दिए 1 2 3 4 5 6, पीछे लिए तो -1, हमेशा -1 से शुरू करना है, -2, हमें 5 को दिखाना था इसलिए हम ज्यादातर पॉजिटिव लिए। अब 5 जिसको 5 दिखाना है तो 5 पे एक ऐसा एरो दे देंगे ताकि इस पूरे नंबर लाइन में हमें अच्छा से झलकना चाहिए कि ये 5 है, यानी कि नंबर 5 को दिखाया गया है। उसी तरीके से अगर बोलता प्यारे छात्रों कि -3 को इंडिकेट करो, तो यहां से और आगे आते और यहां पे एक हम एरो लिख देते तब वो हो जाता -3 को इंडिकेट करता। यानी कि प्यारे छात्रों ये इंडिकेट द नंबर, अगर किसी भी नंबर को इंडिकेट करना होता है नंबर लाइन पे तो हम लोग पहले नंबर लाइन खींच लेते हैं और जिस नंबर को दिखाना रहता है उसको हम लोग वहां पे तीर का निशान दे देते हैं, या फिर यू बोले तो यहां पे एक लंबा गहरा लाइन खींच देते हैं ऐसे। तो ये कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिया रहता है, कहीं कहीं बुक में इस 5 के जगह पे बहुत गहरा करके ऐसे दिया रहेगा कि ये 5 हो गया। तो कहने का मेरा मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन को आप बस दिखाना है, इंडिकेट करना है, ताकि वहां से देखने से पता चले कि यहां पे 5 है, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए आगे हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है होल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है इंटीजर नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर। तो इन सभी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि उसके पहले और कुछ होमवर्क्स के तौर पे कुछ लिखा जाए, होमवर्क्स में क्वेश्चन इंडिकेट द फॉलोइंग नंबर, यहां से लिखिएगा क्वेश्चन, इंडिकेट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी नीचे दिया गया बहुत सारा नंबर है जिसको हम लोग कहां पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो उसके नीचे पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, ये 5 सवाल हम देते हैं जिसको आप नंबर लाइन पे दिखाकर और हमें ग्रुप में जरूर सेंड करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो
तो पहला है माइनस एट सिक्स, माइनस थ्री फोर, माइनस टू। तो ये तरीके का क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है जिसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, फिर से अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में। नंबर बोले तो होल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सबके बारे में अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक एक्सरसाइज 1.1 को समझने के लिए हमें जितना चीजें जरूरत है पहले उतना चीज सीख लेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे छात्रों आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले मैथ के क्लास में। धन्यवाद।